अपने लक्ष्य को कैसे पाएं? दोस्तों, ये बात उस समय की है जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो हर गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते। उनकी बातें हर किसी के जीवन को एक नया मोड़ देती थीं। उन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता। जितना भी ज्ञान बुद्ध अपने प्रवचन के जरिए देते, वो उसे अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेता। उसका लक्ष्य था कि वो भी बुद्ध की तरह एक आध्यात्मिक और परम ज्ञानी बने। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति को साल भर हो गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। जितना भी ज्ञान बुद्ध, वो खुद को वैसा ही पाता जैसे वो एक साल पहले था। उसे लगने लगा कि बुद्ध के ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसके जीवन में कोई बदलाव आ पाया। ना वो एक ज्ञानी बन पाया और ना ही उसका लक्ष्य पूरा हो पाया। इस बात से नाराज होकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने साल भर आपके प्रवचन सुने। जो भी ज्ञान आपने दिया वो सब मैंने अपनाया, लेकिन उस ज्ञान से मुझ में कोई बदलाव नहीं आया और आज भी मैं पहले जैसा ही एक साधारण इंसान हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किस गांव से आए हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वहां तक की दूरी कितनी है? क्या तुम यहां बैठे बैठे पल भर में अपने गांव पहुंच सकते हो? बुद्ध के सवाल सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो बोला, मेरा गांव बहुत दूर है। सही रास्ते पर और पैदल चले बिना मैं वहां नहीं पहुंच सकता। पल भर में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। गौतम बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हें अपने गांव की दूरी पता है, अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन जब तुम इस जानकारी के अनुसार चलोगे तभी अपने गांव पहुंच पाओगे। उसी तरह मुझसे जो ज्ञान तुमने लिया है, उसे जब तक तुम अपने व्यवहार में नहीं लाओगे और उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे, तो तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं कर पाओगे। जितना जरूरी लक्ष्य की जानकारी होना है, उतना ही जरूरी है उस लक्ष्य को पाने के रास्तों का पता होना। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब तुम उस पर अमल करोगे। इसी तरह लक्ष्य भी तभी पूरे होंगे जब उन पर कार्य करोगे। धन्यवाद।